करौली में उपनेता प्रतिपक्ष और सपोर्टर विधायक रमेश मीणा का कलेक्ट्रेट के सामने चल रहा धरना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने समाप्त करवा दिया। यह धरना 25 दिनों से चल रहा था। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि यह सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, किसी की सुनने वाली नहीं। हमारे विधायक 25 दिनों से यहाँ पर जन समस्याओं को लेकर धरने पर है, लेकिन यहाँ का प्रशासन का कोई अधिकारी और सरकार ने उनकी नहीं सुनी। इस पर सचिन पायलट ने विधायक रमेश मीणा को धरना समाप्त करने की घोषणा करते हुए कहा कि 6 माह बाद कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, जब आपकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। पायलट ने इस दौरान अपराध जैसी घटनाएं रोज हो रही है। रमेश जी, 25 दिन तक आपका यह आंदोलन चला, पूरे जिले पूरे प्रदेश ने इस बात को देखा और जनता के जहन में विश्वास पैदा हुआ है कि हम लोग मिलकर इस जिले में न्याय दिलवाएंगे। हो सकता है 6 महीने के बाद में जब सरकार हमारी बनेगी, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा, ऐसा कांग्रेस पार्टी आपको आश्वासन देती है। इस जिले में जो हालात बने हुए हैं, पूरे राजस्थान के लोग आज परेशान हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय का आंकड़ा हमारा नहीं है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का, राजनाथ सिंह जी मंत्री है, गृह मंत्री, उनके आंकड़े बोलते हैं कि पूरे देश में जितने अत्याचार, उत्पीड़न, मार पिटाई और अन्याय दलितों के साथ होता है, पूरे हिंदुस्तान में, उसमें सारे राज्यों में राजस्थान का स्थान दूसरे नंबर पर है। वहीं पायलट ने आरोप लगाया कि आम जन परेशान है और सरकार का पूरा सिस्टम पैसे कमाने में लगा हुआ है। जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही।